Uh, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया या आई एग्री द नोटिफिकेशन द नोटिफिकेशन इज़ नॉट रिलीज बाय द एकेडमी बट द द इंफॉर्मेशन आई कलेक्ट देयर द ट्यूटर हैंडल ऑफ द जे सॉरी सी ऑफ झारखंड ओके सो मैंने वहाँ से इस चीज़ को नॉलेज uh, को कलेक्ट किया था सो so, आप अगर कहेंगे तो मैं उसका स्क्रीन शॉट जो है मैं उसको uh, इस पर अटैच कर दूंगा एंड यू नो गो टू द डिस्क्रिप्शन लाइन इन माई द इनबॉक्स

सो ठीक है फिर हम लोग इसके लिए तैयारी करेंगे एंड द थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंक द सीरीज ऑफ हिस्ट्री वी आर अपलोडिंग आई मीन अपलोडिंग द वीडियो रेगुलरली ऑन माई यूट्यूब चैनल सो होप यू यू इंजॉइंग एंड लिटिल बिट गाइड गाइडेंस लाइक गाइडेंस एंड हेल्पफुल फॉर यू सो या यफकोर्स यू वेरी ऑफ पर्सन हु टोल्ड मी दैट दिस इज़ हेल्पफुल

लाइक like, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें आ, शेयर करें और क्योंकि देखो एजुकेशन से संबंधित वीडियो है तो आज नहीं तो कल सभी को फ़ायदा होने वाला इसे है इससे तो मेरे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त है उसको ना बेहतर ये कंटेंट पहुँच सके क्योंकि मैं जानता हूँ कि कंटेंट तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते लेकिन हमें जो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसमें हम लोग कभी भी फ़र्क या अंतर नहीं कर पाते जो समस्या का कारण बन जाता है अगर आप इस चीज़ को समझ जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है देन यू आर द परफेक्ट लाइक विराट कोहली एंड सचिन ओके सो मैंने इससे पहले भी वीडियो में ये बात कही थी कि परफेक्ट क्यों कैसे बन जाता है लाइक द सचिन और विराट क्योंकि उन्हें ये पता रहता है कि कौन सा बॉल मुझे खेलना है और कौन सा छोड़ना है सो so, इस चीज़ को आप लोगों को दिमाग में रखना है कि हमें कौन सी चीज़ को याद करके रखना है अपने दिमाग में ऐड करना है और कौन सी चीज़ को नहीं करना है किसको हमको स्टडी करना है किसको रिमेंबर करना है किसको लर्न करना है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप इसकी समझ विकसित कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं तो होप कि आपको परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा देखो परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा जब तक सेलेक्शन ना हो जब तक जॉब ना लगे तब तक करना ही पड़ेगा सो so, उसके लिए हताश निराश परेशान नहीं होना है बस एकदम कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और धीरे धीरे चलना एकदम कछुआ का चाल नहीं ज़्यादा परेशानी नहीं बर्डन लेना है क्योंकि ये एक जो एग्ज़ाम है पीसीएस और यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो मैराथन है सभी ने कहा ये मैराथन ही है एक्चुअली में इसमें कोई मैंने चीज़ अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं की ये एक्चुअल में ही मैराथन है आप इसमें धीरे धीरे दौड़ करके भी मंजिल तक जा सकते हैं सो हमें यही स्टैच अपनाना है लाइक एक नीति अपनाएंगे कि हम धीरे धीरे ही चलेंगे लेकिन लगातार चलेंगे और रुकेंगे तभी जहाँ मुझे मंजिल मिल जाएगी वैन आई यू नो स्टार्ट प्रिपरेशन लाइक आई वॉज वेरी यू नो वेरी हास्टी मैन लाइक आई डू दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग बट दिस इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर मी दैट वॉज वेस्ट यू नो आई वॉज रीड दिस थिंग इंटरनेशनल रिलेशन एंड देन द फॉरन पॉलिसी एंड देन द एथिक्स एंड देन 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 सो इट्स नॉट गुड फॉर मी दैट वॉज माई बैड ट्रैक सो आई जस्ट वॉन्ट टू एंड द एम ऑफ मैकिंग दिस वीडियो कि मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर सकूँ और जो मैं हिस्ट्री uh, के जो सब्जेक्ट में टॉपिक लाता हूँ लाइक वो जो होता है ना वो टाइटल और सब टाइटल का खेल होता है अगर इन दोनों बातों को समझ जाते हैं ना तो बहुत सही है मैंने कुछ एक छोटी सी से स्टोरी शेयर करता हूँ लाइक जो मैंने रियलाइज़ uh, किया है मेरा एक फ्रेंड था जब मैं बैठा था आ, मतलब कन्वर्सेशन uh, हो रही थी तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है हिटलर ने अपने आप को कौन से गोली से मारी कौन से बंदूक से मारी कौन सी गन से मारी मैं तो परेशान हो गया यार कि मतलब ऐसा भी सवाल पूछा जाता है क्या <laughs> तो ये एक्चुअली ये वाहियत क्वेश्चन थी वाहिद क्वेश्चन इसलिए थी क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन से कोई संदर्भ या कोई मैच नहीं है बस उन्होंने मुझे झोल देने के लिए परेशान करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा था आप जब भी रिसर्च करते हो एनालाइज करते हो तो इन सब चीज़ों इन सब क्वेश्चनों से वास्ता नहीं होता हमारा तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें और जो आ, मतलब यू नो लाइक छोटे छोटे चीज़ों को गैदर करें रेलेवेंट चीज को गैदर करें ठीक है उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और यही चीज़ आपको एड देती है लाइक like अपवर्ड की ओर बढ़ाती है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हॉल ओके सो होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ सो so आंसर दे देता हूँ मैं जो हिटलर ने अपने आप को जिस बंदूक से गोली मारी थी उसका नाम था वॉल्थर ब्रेंड वॉल्थर ब्रेंड एक बंदूक होते हैं उस समय के जो सबसे मतलब आधुनिक था उसने हिटलर ने अपने आप को गोली मारी थी और उसकी जो वाइफ थी उसने साइनाइट की गोली खा करके आत्महत्या कर ली थी यू नो द बुरे बुरे लोग का बुरा अंजाम होता है सो so, उसके साथ भी यही हुआ बहुत राष्ट्रवादी की भावना को लेकर चलना अच्छी बात था लेकिन सॉरी मैं इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा ठीक है वो इतिहास था तो इतिहास ही रहेगा और जो वर्तमान का एक सिचुएशन है जो कोविड रिलेटेड से संबंधित है कि जो ओमनिकॉर्न एक न्यू वेरिएंट है सो वो क्या है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और क्या है सो so, मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया सो so मैं सोचा कि इसको इसी में ऐड कर लूँ लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस बात को करूँगा कि जो ओमनिकॉर्न जो न्यू वेरियंट है वो कैसा है वो इफेक्टिव है ज़्यादा इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा है ख़तरनाक है डेंजरस है या फिर कुछ और तो so, मैं इस पर बाद में विस्तार से डिस्कस करूँगा इस पर अलग से वीडियो बना दूँगा एंड ओके सो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी ओके आई एम हेयर टू सपोर्ट यू एंड यू सपोर्ट मी टू ग्रो माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल